हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कुकर सिटी। आज मैं आपको हेल्दी चीला बनाने की विधि बता रही हूँ, जिसके लिए हमें चाहिए एक कप बेसन, आधा कप आटा, 1/4 कप सूजी, 1 कप ग्रेट की हुई गाजर, 1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ, थोड़ा सा हरा धनिया, 2 हरी मिर्च, नमक और लाल मिर्च पाउडर स्वादानुसार। चीला तलने के लिए थोड़ा सा घी। अब एक बोल में बेसन, आटा और सूजी डालकर इसका घोल तैयार कर लेंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे ताकि इसमें लम्स ना बने। अब इस घोल को 2 मिनट हम ऐसे ही हिलाते रहेंगे ताकि थोड़ा सा सूजी जो है वो फूल जाए। आप देखिए ये घोल कितना अच्छा तैयार हो गया है। अब इस घोल में हम बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स मिला लेंगे, जैसे गाजर, प्याज कटा हुआ, थोड़ी सी हरी मिर्च, थोड़ा सा हरा धनिया, नमक और लाल मिर्च पाउडर। अब इस सबको इसमें मिक्स कर लेंगे। अब हमारा तवा गर्म हो चुका है, आंच मीडियम करके इस तवे पर थोड़ा सा ऑयल लगा के हम इस मिक्सचर को तवे पर डालेंगे। इसकी कंसिस्टेंसी इतनी होनी चाहिए कि हम इसको आसानी से फैला सकें। आप देखिए ये बड़ी आसानी से फैलाया गया है। आप देखिए कितना कलरफुल चीला लग रहा है और ये हेल्दी है, बच्चों के लिए भी बहुत ही हेल्दी है, छोटे बच्चों को भी आप आराम से इसे खिला सकते हैं। अब इस चीले को पकने देंगे और इसकी साइडों पे थोड़ा थोड़ा घी डाल देंगे ताकि ये अच्छे से क्रिस्प हो सके, और थोड़ा सा इसका ऑयल इसके ऊपर डाल देंगे और इसके साथ ही इसके ऊपर थोड़ी सी हरी मिर्च और हरा धनिया भी डाल देंगे। अब देखिए इस चीले को मैंने दोनों साइड से पका लिया है और ये चीला हमारा सर्व करने के लिए रेडी है। आप देखेंगे ये चीला कितना अच्छा पक चुका है। अब इसे हम सर्व करेंगे। ये देखिए चीला हमारा तैयार है और इसे आप हरी और लाल चटनी के साथ सर्व कीजिए, ये खाने में बहुत टेस्टी होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए और मेरे चैनल कुकर सिटी को सब्सक्राइब कीजिए।